खबर यूपी के चंदौली जिले से, जहां शनिवार की सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जब एक पिकअप ने दो युवकों को रौंदा। इस हादसे में जहां एक युवक की घटनास्थल पर मौत हुई, अन्य एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी और घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती, जहाँ उसका उपचार किस जा रहा है। और बता दें आपको कि हादसा जनपद के चकिया कोतवाली क्षेत्र के गरला गांव अंतर्गत चकिया नवगढ़ मार्ग का। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गांव निवासी दो युवक सुबह शौच के लिए निकले हुए थे। लोगों के मुताबिक इस दौरान भूसा लदी एक अनियंत्रित पिकअप दोनों युवकों को रौंद दिया। मौका देख पिकअप चालक फरार हुआ। आनन फानन में ग्रामीणों ने दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित किया और डॉक्टरों ने घायल युवक का प्राथमिक उपचार कर उसे ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी। सुबह का समय था सर, लगभग 5:30 बज रहा था। गांव के दो बच्चे शौच के लिए बाहर गए थे, अपने घर से लगभग 100-200 मीटर दूर, और एक का नाम है प्रमोद विश्वकर्मा, पुत्र तिलको विश्वकर्मा। इसके पिताजी दुबई रहते हैं और यह शौच के लिए गया था। चकियाँ से नौगढ़ के लिए भूसा वाली पिकअप जा रही थी, जो कि काफ़ी रफ्तार में थी, और अनियंत्रित हो करके प्रमोद विश्वकर्मा को धक्का मार दी, जिससे कि उसके सर में काफ़ी चोट लगा है। और दूसरा जो था राजेश बिंद, वहाँ से लगभग 15-20 मीटर दूरी पर था, उसको भी धक्का मार दी, और ड्राइवर मौके पर गाड़ी छोड़ करके फरार हो गए। जब चीख पुकार सुने तो हम लोग बगल में थे, दौड़ कर आए और इनको गाड़ी पर लाद करके जिला संयुक्त अस्पताल चकियाँ लाए। अस्पताल में लाने के बाद पता चला कि जो प्रमोद विश्वकर्मा है, उनके सर पे पीछे काफ़ी गंभीर चोट लगी है और उनका मौत हो चुका है। और जो राजेश बिंद है, इनका बाया पैर पूरी तरह टूट चुका है, जिसको कि डॉक्टर लोग प्लास्टर करने के बाद ट्रामा सेंटर बीएचयू के लिए रेफर कर दिए हैं। सत्येंद्र केशरी की रिपोर्ट।